हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप का सेकंड टूल के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है लासो टूल। लासो टूल का यूज भी आप रेक्टेंगुलर मार्केट टूल के जैसे हम करते थे उसी तरीके से इसका यूज भी आप कर सकते हैं। जैसे उसमें सिलेक्शन करते थे, उसके बाद उसमें कलर वगैरह फिल करते थे या सिलेक्शन करके किसी इमेज को उठा के मूव करते थे, वो काम कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको लासो टूल के बारे में कुछ अलग तरीके से यूज करके बताऊंगा। ये तरीका आपको आगे बहुत काम देगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि इसमें मैं क्या क्या ट्रिक बता रहा हूँ। तो चलिए सीखते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारा न्यू अपडेट वीडियो जब भी आए वो आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है और ये लेयर और ये टूल ये भी आपको ओपन रहना चाहिए यहाँ पे स्क्रीन पे। अगर लेयर और टूल आपका ओपन नहीं है तो आप यहाँ विंडो में जाइएगा, विंडो में जाके इसे टूल और लेयर को यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक न्यू पेज लेते हैं। तो आज हम लासो टूल के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर तीन टूल है। देखिए, लासो टूल है, पॉलीगोनल टूल है और मैग्नेटिक लासो टूल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। न्यू पेज ओपन कर लीजिएगा, हम इस साइज का न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। तो इसका भी वही काम है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर वो पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं, ये रेक्टेंगुलर मार्केट टूल के बारे में आपको डिटेल से बताया हूँ यहाँ पे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के ऊपर आई बटन पर भी उसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसका काम जिस तरीके से किया जाता था उसी तरीके से इसका भी काम किया जाएगा लासो टूल का। रेक्टेंगुलर में क्या होता था, या तो हम रेक्टेंगल तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते थे, और दूसरा ये सर्कल तरीके से हम इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते थे। इसमें हम दो तरीके से ही क्या कर सकते थे, सिलेक्शन कर सकते थे और उसमें कलर फिल कर सकते थे। लेकिन ये जो लासो टूल है इसमें हमें अलग अलग तरीके से सिलेक्शन करने का यहाँ पर ऑप्शन देता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर लासो टूल लेते हैं, इसमें क्या होगा, ये फ्री फॉर्म है, मतलब कि यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप ड्रैग कीजिएगा तो आप जैसा सिलेक्शन करना चाहते हैं वैसा आप सिलेक्शन कर सकते हैं, देख लीजिए। और इसमें भी आप कलर फिल कर सकते हैं उसी तरीके से, आप यहाँ से न्यू ले लीजिए और इसमें कलर फिल कर दीजिए, कलर फिल हो गया। अब इसे आप यहाँ पर मूव टूल के द्वारा इसे आप मूव कर सकते हैं शेप को, तो इस तरीके से भी आप शेप बना सकते हैं। लेकिन देखिए, इस तरीके से आप शेप बनाते हैं तो इसका एज देखिए, एज शार्प नहीं आ रहा है, जो एज है वो अच्छे तरीके से इसमें नहीं बन रहा है, तो यहाँ से इस तरीके का शेप हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस कीजिएगा तो आपको पहले समझ में आ गया कि एक राइट क्लिक प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग करके आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, मैं अभी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, मैं आपको पिक्चर भी आपको करके बताऊँगे कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसका पॉलीगोनल है, इसका क्या काम है कि एक बार यहाँ क्लिक कीजिए, उसके बाद ये इस तरीके से सीधा देगा, फिर यहाँ से इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप एक बार में क्लिक करके उसके बाद उसे सीधा जितना आपको ले जाना है उतना आप ले जा सकते हैं। तो क्लिक कर करके आप किसी भी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आप नज़दीक नज़दीक क्लिक कीजिएगा, जल्दी जल्दी देखिए, यहाँ पर नज़दीक नज़दीक क्लिक कीजिएगा तो आप इस तरीके से इसे सर्कल में भी इसे गोल करके बना सकते हैं, सर्कल तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल, तो इसे हम इमेज पे यूज करके आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूज करके बताऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, यहाँ से पहले सबसे पहले हम कुछ इमेज यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इमेज हम यहाँ पर ले लिए हैं, तो सबको पहले सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा साइड कर दें, जिस पे काम करना होगा उस पे आप क्लिक कीजिएगा वो ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पे काम करते हैं, आप यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा और इसे जूम कर लीजिएगा, जूम करके काम कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला टूल है यहाँ लासो टूल, इसका क्या काम था, क्लिक करके प्रेस करते रहना है और इसे क्या करना है, ड्रैग करना है। तो देखिए, इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके माउस में बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, तो इसका यूज भी आपको ज़्यादा नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए आपको बहुत सारे टूल इसमें दिए गए हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। सबसे
सबसे आसान और सबसे बेस्ट टूल है इसमें पेन टूल। उससे आप किसी भी तरीके का शेप हो, चाहे कितना भी ख़राब शेप हो, उसे आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने बस ऐसे रैंडम ही सेलेक्ट कर लिया। आप इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इसमें टाइम देंगे। अगर मैं इसमें टाइम देने लगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो देखते हुए बोर हो जाइएगा। इसे मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, करना आपको है, प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। अब क्या काम कीजिएगा, इस पर रहते हुए आप यहाँ इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ठीक। इसमें यहाँ से मान लेते हैं कोई अलग सा कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये कलर ले लिए, इसमें हम फिल कर देंगे। न्यू लेयर ले कीजिएगा, अल्ट बैक स्पेस कलर फिल हो, कंट्रोल डी, सिलेक्शन हट गया या डिसलेक्ट हो गया। अब मैं आप जूम करके आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए जो लेयर है, लेयर के ऊपर में देखिए यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन है, इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ, नॉर्मल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। इस ऑप्शन का यूज भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। आज मैं एक ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, मल्टीप्लाई। तो जब जैसे हम इस लेयर को सिलेक्ट रहने देना है जिसपे कलर फिल है, और मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये इसमें मर्ज हो गया है। देख लीजिए, पहले हमारा कलर इस तरीके का था, अब इस तरीके हो गया। अब इसमें जो सिलेक्शन अच्छे तरह से नहीं हुआ है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आगे बताऊंगा कि आप किस तरीके से और भी अच्छे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पहला हो गया कि आप इस तरीके से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट जे जेड। अब देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन है पॉलीगोनल टूल। इसे क्या बताए थे कि एक बार क्लिक करना है, और ऐसे जहाँ जहाँ आप क्लिक करते रहिएगा, ये उस तरीके से होते चला जाएगा। तो ये पहले वाले टूल से अच्छा है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप, पॉलीगोनल टूल का। ये थोड़ा उससे अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन क्लिक करते रहिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी में काम करता हूँ ताकि आप यहाँ पर बोर ना हो। अगर आपका माउस कंट्रोल में है तब आप आसानी से काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जब शुरुआत में आप सीखते हैं पेंट, उसमें ये सब आपको करना है, माउस कैसे कंट्रोल करके काम कर सकते हैं, कुछ सिखाया गया हुआ है। तो ये लगभग ठीक सिलेक्शन हुआ, ठीक। इस पर हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं और इस पर कुछ अलग कलर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से ब्लू कलर ले लिए, फिल करते हैं। अब यहाँ से हम करते हैं मल्टीप्लाई, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए कलर, यहाँ इसे हम जूम आउट करते हैं, ये लग ही नहीं रहा है कि इस पर कलर फिल किया गया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि लग रहा है कि बस ऐसा कलर का ही पिक्चर लिया गया है। अब इस लेयर पे सेलेक्ट रहना है, यहाँ से डिलीट कर देना इसे, ये हो गया। अब है इसमें तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक है। मैग्नेटिक लासो टूल से क्या होगा, हम इस इमेज को जूम कर लेते हैं। देखिए एज पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद और इसे शिफ्ट ड्रैग करना है, ये खुद एज सेलेक्ट कर लेगा। देखिए शिफ्ट ड्रैग करते रहना है, ये जो शार्प एज रहेगा वो सेलेक्ट कर लेगा। जहाँ पर थोड़ा बहुत कलर मिक्स रहेगा, ये ब्लर रहेगा, देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर नीचे शार्प दिख रहा था, तो ब्लैक कलर को चूज कर लिया। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर एज पे चलाते जाइएगा, खुद ही अपने आप मैग्नेट की तरह चिपकता चल जाएगा एज से। तो ये भी टूल बहुत ही काम का है, इससे आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अब इसका हम काम कुछ अलग पे करके दिखाते हैं। मैं आपको यहाँ पर रैंडम बता दिया, कुछ अलग पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं। ये पिक्चर लेते हैं, ये प्रेस करते हैं, इसे जूम कर लेते हैं। अब इसके यहाँ पर सबसे बढ़िया काम होगा इसका पॉलीगोनल लासो टूल। देखिए आपको खुद सोचना है कि हम कौन सा शेप पे या कहाँ पर हम कौन सा टूल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे बढ़िया काम किससे होगा, पॉलीगोनल का, ठीक है। लासो टूल का यूज तो बहुत ही कम होता है, तो आप लोग भी बहुत कम ही उपयोग कर पाइएगा लासो टूल का। यही दोनों टूल का आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये आसान पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम पॉलीगोनल टूल यूज करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, ये सीधा हमें यहाँ पर ले जाएगा। इससे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी काम नहीं कीजिएगा तो खुद सेलेक्शन ले लेगा। तो देखिए यहाँ पर हम, अब क्या होगा, अब सेलेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस इमेज सेलेक्ट हो जाए, ये वाला भी सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो शिफ्ट आप प्रेस कीजिए, शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, या यहाँ से ऊपर ऐड, जो हम यहाँ पर पहले रेक्टेंगुलर टूल में आपको बताए थे, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में जो आपको बताए थे, यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए, या शिफ्ट कीजिए। शिफ्ट जैसे प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ से इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा जल्दी जल्दी काम कीजिएगा, नहीं तो वो खुद सिलेक्शन ले लेगा। हो गया, इसी तरीके से आप सभी इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम छोटा वाला इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर से शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट, और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी शो करेगा ऐड का ऑप्शन, जो आपका यहाँ पर लिए हैं उसमें भी शो करेगा। देखिए ये भी, देखिए इसमें
ऐड का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। जैसे हम शिफ्ट प्रेस करेंगे देखिए उसमें ऐड का एक ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ऐड का सिंबल एक आ रहा है, हट रहा आ रहा है। तो यही चीज़ आपको समझना है। फिर से यहाँ से हम एक न्यू ले लेंगे और इस पर कलर फिल कर लेंगे कोई सा, मान लीजिए ये ब्लू ही कलर हम फिल कर लेते हैं। और यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में और यहाँ से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर रेक्टेंगुलर हो, इस तरीके से ट्रेंगल हो या कोई भी पॉलीगोनल शेप हो, तो उसे सिलेक्शन करने के लिए आप पॉलीगोनल यूज कर सकते हैं। समझिए, अब ये शेप को भी हम हटा देते हैं, नो कर देंगे। जिस पर हम काम कर रहे हैं उसे यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इस पर मैग्नेटिक टूल का सबसे अच्छा काम होगा। तो इसे हम प्रेस करते हैं और यहाँ पर लेंगे मैग्नेटिक टूल। यहाँ पर पॉलीगोनल टूल का काम बिल्कुल ही नहीं है, इस पर काम कर ही सकते हैं ना, लासो टूल से कर सकते हैं और ना ही आप पॉलीगोनल टूल से कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही टूल से आप कर सकते हैं, मैग्नेटिक लासो टूल। तो मैग्नेटिक को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और इसे इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे। तो क्या होगा, ये एज सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एज है वो बहुत ही शार्प है, मतलब शार्प दिख रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एज सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पर वो कलर मैच नहीं करेगा वो किसी और कलर को यहाँ से चूज कर लेगा। तो इससे भी उतना ही अच्छा सिलेक्शन हो जाता है, इससे भी काम चलाने पर सिलेक्शन होता है, इससे भी उतनी अच्छे से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर एज अच्छा शार्प हो, जितने भी एज इसके चारों तरफ के होंगे बहुत ही शार्प दिख रहा हो, तभी जाके इसका भी काम 100% हो पाता है, नहीं तो ये भी उतना अच्छा नहीं कर पाता है। यहाँ पर ये सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ लेयर में जाते हैं, यहाँ से न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ से कलर ले लेते हैं कोई सा, यही कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा लाइट लेते हैं और इसमें फिल करते हैं आर्ट बैक स्पेस। अब देखिए आपको समझ में आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसा लग रहा है। इसे हम डीसेलेक्ट करते हैं, देखिए इसमें लग रहा है कि आपको कि कहीं बाहर से इसमें कलर फिल किया गया है, नहीं लग रहा है कि बस ऐसा ही कलर का फ़ोटो खींचा गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ पहले कैसा था, पहले ऐसा था, अभी देखिए ऐसा लग रहा है। तो इसमें कोई भी कलर आपको जैसा कलर पसंद है तो उस कलर को आप यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से फिल करके आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये सब इमेज आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं आपको इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो एक कैमरा का पिक्चर है, इस पर एक ही टूल का यहाँ पर काम होगा, मैग्नेटिक टूल का। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कैसे काम कर सकते हैं। अब इसे हम नीचे कर देते हैं, अब बच गया एक ये एक ये। अब इस इमेज पे हम काम करके आपको बता, इस पर हम क्या करेंगे, लिप्स का जो कलर है इसे हम चेंज करेंगे। तो इसे किस टूल के द्वारा आप कर सकते हैं, मैग्नेटिक टूल के द्वारा आप कर सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक टूल के भी द्वारा आप कर सकते हैं, देखिए, लेकिन उतने अच्छे से नहीं होगा। तो आपको इसका काम कैसे करना है, ये पॉलीगोनल टूल के द्वारा, लासो टूल के द्वारा भी आप नहीं कर सकते हैं, पॉलीगोनल टूल के द्वारा आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बारीकी से काम करना होगा, जूम कर लेना है और यहाँ से हम हाइलाइटर को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम काम करके आपको दिखाते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं और इस पर थोड़ा जल्दी जल्दी काम कीजिएगा, थोड़ा सा भी लेट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपको इस पर क्लिक करते रहना है और सिलेक्शन करते रहना है। लेट नहीं करना है, लेट कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले लेगा। अब जब काम कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ से सिलेक्शन ले रहा हूँ। बस ये हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेते हैं, इस पर कलर फिल कर देते हैं जैसा कलर आपको चाहिए, रेड फिल करना चाहते हैं। ठीक है, और इस पर कर देते हैं हम फिल, यहाँ से कर देते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ से कर देते हैं अल्ट डिलीट। अब इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं और फिल या ओपेसिटी, यहाँ पर लेयर में जाइएगा, इस लेयर को सेलेक्ट रखना है, इसका फिल या ओपेसिटी आपको कम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कम कर लीजिए। अब देखिए पहले कैसा था, पहले इस तरीके से, अब देखिए इस तरीके, लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ बाहर से कलर फिल किया गया है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। फेस का भी आप कर सकते हैं, इस फेस का अगर कलर आपको चेंज करना, तो फेस को आप सेलेक्ट करके यहाँ से, और उसका भी आप इसी तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं जैसा कलर आपको चाहिए। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। आप ड्रेस का कलर भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये, अब यहाँ पर
इसमें क्या है, इसमें देखिए अलग अलग कलर है, ये अलग है, ये यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर ये है। तो इस पर हम मैग्नेटिक टूल का यूज करके देखते हैं तो क्या होगा, इसमें भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज इसे सेलेक्ट करना है, इसे कलर से मतलब नहीं है, इसका एज कौन सा दिख रहा है वो एज को ये सेलेक्ट करेगा। अब देखिए, अब हेयर के पास थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा है, तो क्या वो हेयर को एज से सेलेक्ट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस रहता तब वो अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर सकता था। देखिए जहाँ जहाँ पे एज थोड़ा शार्प दिखेगा उसी को ये सेलेक्ट कर पाएगा। देखिए तो मैं रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ, बस ये हमारा सिलेक्शन हो गया। इसे भी हम कलर फिल कर सकते हैं, इसे हम न्यू लेयर ले लेते हैं और यहाँ से इसी से रिलेटेड कोई कलर लेते हैं यहाँ से। और कलर पे जाने के बाद जब यहाँ से माउस देखिएगा तो इस तरीके से आई ड्रॉप का यहाँ पर आइकन बन जाएगा। तो यहाँ से कलर लीजिए, जैसा कलर यहाँ पर है वही कलर हम ले लेते हैं और इसमें फिल कर देते हैं सेम कलर, और यहाँ से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसे आप अच्छे तरीके से सिलेक्शन कर लीजिएगा और इस तरीके से आप कर लीजिएगा। इसका ओपेसिटी हम कम कर देते हैं थोड़ा, पहले देखिए कैसा था, पहले ऐसा था अब ऐसा था फिल करके। इस तीनों टूल का यूज आपको पता चल गया होगा, ठीक है। हम इसे डिलीट करते हैं, ये वाला इमेज हम ले लेते हैं, इसका लेयर भी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसमें कुछ और डिटेल बात कर लेते हैं। जब इसका हम सिलेक्शन करते हैं, मान लीजिए यहाँ लासो टूल है, इसे हम इस तरीके से सिलेक्शन कर लिए, सिलेक्शन किए, फेदर का यूज है, फेदर का यूज भी कर सकते हैं लेकिन इसमें उतना फेदर आपको दिखेगा नहीं। और यहाँ पर जो चार ऑप्शन मैं आपको बताया था, ये ऐड टू सिलेक्शन, सब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, पहला है इसमें ऐड कर सकते हैं, ये सर्कल है इसमें और एक सर्कल बना लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नीचे बना लेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, यहाँ बना लेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिर इसी में हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ले लेंगे और जितना हमें सब्ट्रैक्ट करना है उतना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। और फिर ये है इंटरसेक्ट, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बीच का जो भी रहेगा वो यहाँ पर बच जाएगा। देखिए ये बीच का था, अब इसके बीच में जो रहेगा, ये दोनों के बीच में, तो जहाँ पर यासिका लिखा हुआ है वो जो एरिया है वो यहाँ पर रह जाएगा। तो आपको ये चारों ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा और ये तीनों टूल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यूज कर सकते। तो मैं आपको ये तीनों टूल के बारे में इतने डिटेल से बता दिया कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी इस टूल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमें कौन सा टूल कहाँ पर यूज करना है। मैं आपको वैसे वैसे सभी पिक्चर पे दिखा दिए थे जहाँ पर आप इस टूल का यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताया था कहाँ पर कौन सा टूल का यूज कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं। तो इतनी डिटेल से आपको कोई नहीं बताएगा, आपको नॉर्मली बता देगा कि आप इस ऐसा सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये सब जब टूल आपको मैं बता दूंगा तो इसमें बहुत सारे ट्रिक भी हैं, तो उन ट्रिक के भी बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में कैसे कैसे ट्रिक होते हैं, उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं सभी टूल के बारे में इसी तरीके से डिटेल में बताऊंगा जिससे कि आपको और भी कभी किसी वीडियो का ज़रूरत नहीं पड़े या कभी फोटोशॉप सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हमारे चैनल पर जो हम अभी वीडियो डाल रहे हैं उस वीडियो को अगर आप देख लिए तो आपके सारे फोटोशॉप के जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट टूल मैं आपको बताऊंगा ये मैजिक वैंड टूल, इसमें भी आपको अलग अलग पिक्चर लेके बताऊंगा कि आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कलर पर किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में जो है तीन चार टूल ऐसे हैं जिससे आप सिर्फ सिलेक्शन ही कर सकते हैं, पहला ये मार्केट टूल हो गया, दूसरा लासो टूल हो गया, तीसरा मैजिक वैंड टूल हो गया और चौथा यहाँ पे पेन टूल हो गया। इससे भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, भी नहीं यही जो है कि सबसे अच्छी सिलेक्शन आपको करके देगा वो पेन टूल ही। पेन टूल से ही आप बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसा टूल नहीं जिसे आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो से और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको मैजिक वैंड टूल के बारे में आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।